तो माशाल्लाह से आज छोटे भाई ने सारा दिन बस ये काम किया था कि ये लाइटें लगाई थी। बहुत मेहनत से लगा रहा था सारा दिन। मैं तो एक दो काम था वो करने चला गया हुआ था, मगर सारा दिन उसने आज ये लाइटें लगाई हैं माशाल्लाह से। बच्चों तुम इतनी रात गए था कि इधर खेल रहे हो, कितना अंधेरा हो गया हुआ है, तो घर जाओ। इतनी रात गए था कि यहाँ पे खेल रहे हो तुम लोग जो है ना, तुम्हें डर नहीं लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आमिर कपूर आपको आपके अपने चैनल आमिर कपूर में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। माशाल्लाह से रबीउल अव्वल का महीना जो है ना वो शुरू हो गया है। माशाल्लाह से हर कोई जो है ना वो अपने घरों को, अपने मोहल्लों को लाइटों से या किसी तरीके से जो है ना वो सजा रहा है। 12 रबीउल अव्वल नज़दीक है तो हमने भी कल सारा दिन बस लाइटें लगाई थी। मेरा तो टाइम नहीं लगा था, एक दो काम था वो करने थे, वो करने चला गया था। छोटे भाई थे वो लाइटें वगैरह लगा रहे थे सारा दिन, उन्होंने बस यही काम किया कि लाइटें लगाई माशाल्लाह से। ये फसलें वगैरह भी अभी पकने वाली हैं, मतलब के रेडी हैं, तो जान जाती है मेरी तो इनको देख के कुछ 15-20 दिनों तक हमने भी इनको काटने स्टार्ट हो जाना है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। वैसे हमने तो थोड़ी लगाई हुई है मुंजी, यानी चावल की फसल, तकरीबन 6 कनाल। किसके लिए ये बॉल? वो मोटरसाइकिल आ गई, इधर हो जाओ साइड पे, हो जाओ साइड पे, साइड पे। बच्चों तुमने तो खेल के यहाँ से चला जाना है। ये जिनके गोबर हैं ये अगर मतलब टूट गए ना तो इन्होंने कहना है कि आप लोगों ने जो है ना, आप लोगों के घर के सामने था तो आप लोगों ने ये तोड़े हैं, तो ये बचा के ठीक है ना। एक तो बच्चों तुम लोग खेल हार्ड बाल से रहे हो तो यहाँ पे बच्चे हैं, इनको लग जाएगी, जरा ये भी ध्यान से। तो जी हमदा भाई आए हैं माशाल्लाह से। अभी इनका प्लान है कहीं इन्होंने कोई रेंट शेंट में गाड़ी शाड़ी लेनी है शादी के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं हमदा भाई की गाड़ी जो है ना बरात वाली, वो उसकी बुकिंग करवाने, तो करवा रहे हैं उस्ताद, उस्ताद बुकिंग करवाने लगे हैं जो है ना हमदा की गाड़ी की। तो उस्ताद कौन सी गाड़ी की बुकिंग करवानी है आपने? कौन सी करानी है बताओ? बताओ, लैंड क्रूजर। ठीक है, तो कितने तक ये मिल जाएगी साथ मतलब रेंट में? 3 दिन के लिए फ्री में? चलो चलो फिर, फ्री मिल दिया ने चीज़ा। उस्ताद ने वैसे आज जो है ना मैं खाना खाने लगा था, ये दोनों कह रहे हैं कि चलो हम होटल में आपको खाना खिलाएंगे, तो चलो भाई हम आज का खाना होटल से ही खा लेते हैं। मैं और हमदा यहाँ पर खड़े हो गए हैं एक पेट्रोल पंप पे, और उस्ताद जो है ना उसकी आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं। हाँ हाँ जी हमदा भाई, डन होया कि नहीं होया? सारे डन करो, पेट जरा चूहे नाच रहे हैं, चूहे नाच रहे हैं पेट में। अल्हम्दुलिल्लाह पराठो तो नहीं साड़ी हुई, होटल चलिए या पराडो आएगी तो जाना? ठीक है, हमें ले आया इस होटल में, तो देखते हैं क्या खिलाता है सर। खाना आ गया, दाल माछ लगाई है,
दोस्त आज ही करो शुरू। खाना शाना हमने खा लिया है, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे थे। हमजा का पता नहीं उस्ताद क्या था मुझे। हाँ उस्ताद कोई सुकून होया नहीं रोटी खा के। चलो हूँ की करना है फिर, किधर न जाना है, किधर न जाना है भाई। तो उस्ताद लेने लगा अभी अमरूद। उस्ताद कितने लेने हैं? नहीं फिर भी कितने ले रहे हो? कितने कहते हो ले लो, मैं तो भी करवा रहा हूं। इरादा आपका बना है कि हमने जो है ना मैंने आपको अमरूद खिलाने? ठीक है हमदा भाई, फिर अल्लाह जी सुपुर्दे। हमदा भाई अभी जा रहे हैं। मेरा सिर्फ वीडियो दा हूं, तुम शाम को करके ना तो मैंने दसना है। ओके तुम्हारे सिरे जो होने जे मेरी वीडियो ना बनी मेरी शादी के होते तो तुसी जिम्मेदार हो उस चीज। ठीक है जी, ताबेदार हैं। ओके जी, अल्लाह जी सुपुर्दे। हमदा की शादी है 6-7-8 तारीख को, तो हम लोग जो है ना वो गाड़ियों की बुकिंग करवाए हैं। जहाँ तक बात रही मूवी की बुकिंग करवानी थी, मगर आजकल जो है ना मूवी के रेट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा शादियों का, और स्पेशली जुमा हफ्ता इतवार को तो बहुत ज़्यादा रश होता है। जहाँ पे मूवी के रेट बहुत ज़्यादा हैं, वहीं पे कारों के हर चीज़ के मतलब के रेट ज़्यादा होते हैं जुमा हफ्ता इतवार के, क्योंकि ज़्यादातर शादियाँ जो है ना वो जुमा हफ्ता और इतवार को ही होती हैं। और मैं ऑलरेडी मूवी का काम करता था पहले, तो अभी सोच रहा हूँ कि जब तक मैंने बाहर नहीं जाना दुबई, तब तक मैं भी जो है ना वो मूवी का काम स्टार्ट कर लूं। तो अभी उसके लिए कुछ अच्छा सा कैमरा चाहिए होगा, तो मेरा इरादा बन रहा है कि कुछ दिनों तक लाहौर जाके कोई अच्छा सा कैमरा ले आऊं। और ये एक महीना सीज़न रहेगा शादियों का, शादियां होंगी बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी माल है इसमें भी। जब मैं पहले मूवी बनाया करता था तब तो इतने ज़्यादा रेट नहीं हुआ करते थे, इतने ज़्यादा पैसे नहीं बना करते थे, मगर अब तो 20-25-30-40-50 हज़ार तक मूवी बनती है। तो तब तो तकरीबन 5-7-8 हज़ार ज्यादा से ज्यादा। खैर सादे सादे पठे वढ़ने वाले हन के वड्डे हन यार, आवे सवेर जो गया नहीं। ये तो साद आपकी ये सारी मुंजी जो है ना, यानी चावल की फसल है, ये तो गिर गई हुई है, यहाँ से खराब हो गई है सारी। ये तो हैं सही होगी अभी, ये तो वैसे गिर गई हुई थी सारी, अभी तो वाकई में थोड़ी सी उठ गई है, नहीं तो सारी की सारी लेट गई हुई थी। क्या साथ फाल जेना ना? फाल नहीं खराब होएगा, सही हो गई है, पानी कड्या ना। हालांकि जड़ी डगी जांदी है मुंजी, ओदा फल खराब हो जांदा, लेकिन आ पानी रहंदा ना, रा भी खराब हो जाना, पानी विच कढ हड़े ना बद्दल जड़ा पे आ। हां हां शायद ओदी वजह नाल ही हो गया होगा। हां वो दंदी उठी है। तो उस्ताद ने अभी चारा काट लिया, तो बस आज के लिए इजाज़त चाहने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासर, अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा है। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।